इसमें एक चम्मच दही का शामिल करेंगे। ये देखें मैंने पूरा भर के डाल दिया, थोड़ा सॉल्ट डाल देती हूँ। दही से क्या होता है, दही से आपके पकोड़े बड़े मज़े के बनते हैं, आप एक दफ़ा ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो अभी इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और अभी आपने पानी शामिल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। मैं देख रही थी कैमरा ऑन हो गया या नहीं, तो समटाइम ऐसा होता है मेरे साथ कैमरा ऑन ही होता है। तो चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी माशाला बिल्कुल ठीक हैं। और आज बना रही हूँ पकौड़े, और आपको पता है मौसम उतना अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ब्लॉग बनाया है, बाहर में गई थी नर्सरी का, तो वो सारा उसी मौसम में बनाया, तो अभी दूसरा ब्लॉग बना रही हूँ। एक दिन में दो दो ब्लॉग भी बन जाते हैं कभी कभी। तो बस अभी पकौड़े ट्राई करने लगी थी, मैंने कहा मौसम अच्छा है तो चलो इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती हूँ। तो पकौड़ों की रेसिपी देखिएगा मेरे चैनल पे और बताइएगा मुझे पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी। सिंपल एंड ईजी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो अभी बस मैं ऑयल वगैरह रखती है, बाकी सारी रेसिपी मेरी बन गई है, लेकिन अभी ऑयल बस मैंने डाला है। तो अभी पकौड़ों को फ्राई करते हैं, साथ साथ करती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखें मैं आज बनाने लगी हूँ पकौड़े, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ रेसिपीज़ की। मैंने एक प्याज ले लिया है, इसको इस तरह करके बारीक चॉप कर लिया है, ये देखें, और साथ में एक आलू लिया है मैंने, ठीक है, इसको भी इस तरह करके चॉप कर लिया है, और एक ये इसमें तीन हरी मिर्चें काटी हैं, और ये मेरे पास ना जो पालक पड़ी हुई थी ना ये फ्रीज़ हुई हुई थी, ठीक है, तो ये मैंने फ्रीज़ ही पालक ली है अभी, तो इसको मैंने धो के ना रख लिया है। तो अभी आज मौसम भी प्यारा है तो अभी बस पकौड़े स्टार्ट करते हैं बनाने। ये देखिए मैंने बाउल ले लिया है, इसको मैंने वॉश कर लिया, अभी जो मेरा बेसन है ना उसको मैं छानती हूँ, ठीक है। देखिए मैंने इसको छान लिया बेसन को, अभी इसमें आलू शामिल करते हैं। ये एक आलू रह गया इसमें, तो ये देखें ये पालक भी शामिल करते हैं अभी। ये होगी पालक, अभी ये इसमें जाएंगे प्याज, ये देखें, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स, और इसमें डालते हैं फिर स्पाइसेस। ये देखें मैंने इसमें स्पाइसेस भी सारे ऐड कर दिए हैं, ये देखें मैंने डाल लिए हैं, फिर मैंने आपको दिखाए हैं। ये चाट मसाला है एक चम्मच, और ये एक चम्मच गरम मसाला है, ये एक चम्मच हल्दी है, और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, और एक चम्मच नमक है, ठीक है। अभी इसमें एक चम्मच दही का शामिल करेंगे। ये देखें मैंने पूरा भर के डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। दही से क्या होता है, दही से आपके पकोड़े बड़े मज़े के बनते हैं, आप एक दफ़ा ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो अभी इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, और अभी आपने पानी शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को जब मिक्स करेंगे तो इसमें जो पानी होगा ना उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा बेसन में, ठीक है, तो बाकी जो रह जाएगा वो फिर हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इसमें पानी शामिल करते हैं। देखिए मैंने अभी इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, और ये देखें आप जो वेजीज आपने डाली होती है ना इसमें से जो पानी थोड़ा थोड़ा निकलता है ना, तो वो भी इसमें मतलब एडजस्ट हो जाता है जल्दी। तो बस अभी इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने मिक्स कर लिया है अभी ये सारे मिक्सचर को, और अभी ये देखें ये जितना आप थिक रखेंगे ना तो ये उतने ही आपके क्रिस्पी बनेंगे पकौड़े। तो अभी इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और 5 मिनट के बाद फिर इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने फ्राई पैन रख लिया है जिसमें मैंने फ्राई करने हैं, और ये देखें ये मसाला माशाल्लाह बिल्कुल सही हो गया है। ये देखें अभी इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दी थी मैंने, तो बस अभी इसमें ऑयल डालते हैं, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर अपने पकौड़े फ्राई करते हैं। मैंने साथ में ना फिश भी निकाली हुई है अरताज के लिए, मैंने कहा चलो इसको ये फ्राई कर देते हैं और हम दोनों पकौड़े खा लेंगे, क्योंकि अरताज तो पकौड़े नहीं खाता है। तो बस अभी ये देखें पैन मैंने इसमें ऑयल वगैरह रख दिया है, तो बस अभी देखते हैं इसका ये गर्म हो गया है या नहीं। इसको थोड़ा सा डालते हैं ना ये मिक्सचर, देखें इतना थिक है ये खुद से मतलब जैसे होता है ना एक फैल जाता है जल्दी। अब जितना थिक रखेंगे ना उतनी आपके क्रिस्पी बनेंगे पकौड़े, बस ये जहन में रखिएगा आप। ये देखें ये फ्राई होना शुरू हो गया, लेकिन अभी कम है, जैसे ये ज़्यादा हो जाएगा ना इसमें फ्लेम इसका थोड़ा सा इतना हो कि हीट आपको यहाँ तक फील हो, तो फिर इसमें पकौड़े शामिल करने हैं, और ये रमज़ान के लिए बड़ी अच्छी रेसिपी है। तो ये देखें अभी मैंने इसमें डाल दिया है ये ऑयल, ये गर्म हो गया है, ये तो मैंने थोड़ा सा इसमें डाला था कि ये नहीं ये इसका पता चल जाए ये गर्म हुआ है या नहीं। तो ये देखें अभी छोटा छोटा चम्मच इसका लेके इसमें शामिल करते हैं, अपनी मर्ज़ी है साइज़, आप जितने मर्ज़ी बड़े रख लें, मैं हाथ से भी डाल देती हूँ
अमीजा, लेकिन अभी एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है तो इसी वजह से मैं अभी ये इससे डाल रही हूँ चम्मच की मदद से, ठीक है। तो ये देखें, तो चलें बाकी सारे भी इसमें डाल लूँ, तो फिर जैसे ही पकते हैं फिर दिखाती हूँ आपको। देखें माशाल्लाह बन गए हैं पकोड़े, और ये देखें इतने क्रिस्पी बने हैं, ये देखें इसकी कड़क की आवाज़ से आप समझ रहे हैं कि बहुत क्रिस्पी बने हैं। और थोड़े से रह गए, बस वो फ्राई कर रही हूँ अभी, ये देखें ये बस रह गए हैं अभी, थोड़े से ही हैं बस। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी आपको, और देखने में यम्मी लग रहे हैं, बस अभी ट्राई करती हूँ फिर बताती हूँ आपको। ये देखें पकोड़े तैयार हो गए हैं माशाल्लाह, और ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, और ये साथ चटनी है। तो बस आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी आपको, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो रेसिपी मेरी बन गई है, मैंने पकोड़े बना लिए, अभी रात को भी देने लगी और कुछ भी खाने लगी क्योंकि दुआ का टाइम हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो फिर जल्दी से अभी बना के खाना खा के फिर जाऊँगी वॉक पे। तो चलिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी आपको, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।